खुशी डायरी बनाने के लिए आपको ले लेना है एक पेपर, तो और आपको यहाँ पर एक ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पर मैं एक यूनिकॉर्न डोनट का ड्राइंग करूँगी, तो देखो इसे कितना क्यूट है। तो अब मैं इसे कलर करूँगी। तो गाइस मैंने इसे पूरा कलर कर लिया है और अब मैं इसमें टेप लगाऊंगी। तो अब हमें इसमें टेप लगाना है, तो मैंने यहाँ पर पूरा टेप लगा दिया। और अब आपको इसे कुछ इस तरह से काट लेना है, ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके बाद आपको उस पेपर को साइड में रख के इसे फोल्ड कर लेना है ऐसे। तो फोल्ड कर लेने के बाद आपको इस उस पीस को काट लेना है। उस पीस को काट लेने के बाद पेपर का आपको इस ड्राइंग को कट कर लेना है। तो मैंने इसे पूरा कट कर लिया है, मगर हमें बीच का ये वाला पोर्शन भी काटना है। तो हम इसे कैसे काटें, तो मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताती हूँ जिससे आप भी काट सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है ऐसे, और उसके बाद सीजर की मदद से आपको बीच में एक छोटा सा कट लगा देना है। तो यहाँ पर एक कट हो गया है, और अब आपको कैसे को उस कट के अंदर से पुश करके इस तरह से कट कर लेना है। तो ये काम थोड़ा हार्ड है, मगर आई होप कि आप सभी कर लोगे। तो ये तो सच में मेरे लिए भी हार्ड है। तो फिलहाल जो भी है, मैंने इसे कट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैंने ये जो छोटा पीस लिया था पेपर का, हमें इसे उस पेपर पर रख के इसे ट्रेस करना है। तो हम इसका आउटलाइन देंगे, क्योंकि हम इसका सुशी बना रहे हैं, तो इसका हमें पूरा आउटलाइन लेना है। तो गाइस हमने इसकी आउटलाइन लेनी है इस यूनिकॉर्न डोनट की। तो अब हमारे पास ये जो आउटलाइन है, अब हम इसे कट करके जैसे हमने यूनिकॉर्न डोनट को कट किया था, तो ये जो गाइस मैंने इसे कट कर लिया। और अब इसके जो कुछ कटआउट्स है, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम इसी से इसका स्कूशी बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपको कोई एक कटआउट लेना है, और आपको इसमें ग्लू लगा देना है। तो मैं ब्रश की मदद से लगाऊंगी, और तो उसके बाद आपको इन वेस्ट कटआउट्स को ले लेना है, और आपको इन्हें कुछ ऐसे रोल कर लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर ऊपर में ग्लू लगाया है मैंने, तो ये आसानी से स्टिक हो जा रहा है। तो मैं सेम प्रोसेस इन कटआउट्स के साथ भी करूँगी। तो ये देखो गाइस, मैंने इसे कर लिया है ऐसे कट। उसके बाद जो हमारा मेन पोर्शन है, यानी कि ड्रॉ जॉइंट, तो इसमें भी हम अच्छे से ग्लू लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ब्रश के हेल्प से लगा रही हूँ। तो गाइस मैंने इसे लगा लिया है, तो अब मैं इसे इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर देती हूँ। स्टिक कर लिया है, और यहाँ के जो एजेस है आपको इन्हें इस तरह से प्रेस करना है। अगर प्रेस करने से भी नहीं हो रहा, तो फिर आप इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हो। तो इसे हमें अच्छे से अभी इसे प्रेस कर लेना है। तो गाइस मैंने इसे बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया है, और चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, दो पेजेस लेने हैं, और आपको इसे कुछ ऐसे फोल्ड कर देना है लाइक दिस, जैसे फोल्ड कर लेना है, और दूसरे पेज को भी ऐसे फोल्ड कर लेना है जिस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद हमें इनके कुछ एजेस को काटने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे काट रही हूँ। तो अब आपको इसे यहाँ से ऐसे काटना है, जैसे मैं काट रही हूँ आपको भी वैसे ही इसे काट लेना है। मैंने इसे अच्छे से काट लिया है, और हमारा जो यूनिकॉर्न डोनट स्क्वीशी था, हम उसका साइज देखें, तो फिर हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो
अब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है, तो अब हम इसे कलर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसे कलर कर लेते हैं। बस मैंने पेपर को कलर कर लिया है। आपको पेपर को सारे साइड से नहीं करना है, एक साइड को वाइट रखना है। तो अब मैं दूसरे पेज को भी कलर कर लेती हूँ। तो हम अब इससे कवर बनाएंगे और डायरी का, और जो कवर होगा वो भी स्क्विशी होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जो एजेस है उन पर आपको अच्छे से टेप लगा देना है। मैंने सारे जिसमें टेप लगा दिया है, सिर्फ आपको एक एज छोड़ देना है और इसे इससे पलट देना है। तो हमने जो एक और पेपर लिया था, तो अब आपको उसे इस पेपर के ऊपर रख के टेप की मदद से चिपका देना है। जैसे मैं आपको दिखाते रही हूँ, आपको वैसा ही करना है। तो गाइस मैंने इन्हें सभी साइड से सील कर दिया है, और अब हमें एक पॉकेट टाइप ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे इसके मतलब मैंने इसे जो बनाया है उसका कटआउट से, तो इससे तो ये पूरा पेपर नहीं भरेगा, तो इसलिए आपको एक और पेपर लेना है। तो फिर जो भी मेरे कटआउट थे, मैं उनको इससे राउंड करके इसमें भर दे रही हूँ। और आपको वो पेपर लेना है, इसे थोड़ा थोड़ा सा फाड़ के इस तरह से थोड़ा सा एक बॉल बना के इसमें भर देना है। तो सेम प्रोसेस मैं उस पेपर के अदर पीसेस के साथ भी करूँगी। तो ये देखो गाइस, मैंने इसे पूरा भर दिया है, और अब मैं इसे भी टेप की मदद से सील कर दूँगी। तो गाइस मैंने इसे सील कर लिया है, और अब इसे चलिए थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है आपको अच्छे से। और हमारा जो यूनिकॉर्न डोनट है, तो अब हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से ग्लू को अच्छे से लगा रही हूँ, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। अब मैं इस यूनिकॉर्न डोनट स्क्वीशी को यहाँ पर चिपका दूंगी ग्लू की मदद से। तो इसे यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने इसे लगा चिपका लिया है। अब चलिए बनाते हैं डायरी के लिए पेजेस। तो आपको चार पेजेस चाहिए, और आपको उन्हें फोल्ड कर लेना है। आपको इसमें कुछ ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो क्योंकि हमने डायरी का कवर बनाया है, और हम पेपर को उससे थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो इसलिए मैं इसका साइज ले रहा हूँ। और ये हो गया डायरी का, और पेपर का साइज ये हो गया ऐसे। तो मैंने साइज तो ले लिया है, और अब हम इसके एजेस को काट लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेपर को काट लेता हूँ, और उसके बाद हम इसके एजेस को काटेंगे। तो बस मैंने इसके ऊपर का पार्ट काट लिया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना एजेस काटना है। तो मैं उसका भी साइज ले रही हूँ, तो हमें इतना सा काट लेना है। तो गाइस मैं इसे अभी ऐसे काट लेती हूँ। तो एजेस को काटने के बाद आपको एक स्टेपलर लेना है, और आपको यहाँ पर ऐसे से स्टेपल कर देना है। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं है, तो फिर आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर अच्छे से स्टेपल कर दिया है। तो अब आपको वो बुक का कवर लेना है, और आपको इसे चिपकाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लू लगाना है। ये वाला पेपर याद है, तो जब हमने यूनिकॉर्न डोनट स्क्वीशी बनाया था, तो तब मैंने इस पेपर को साइड पे रख दिया था। तो अभी हम उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डॉट्स देकर डिज़ाइन बनाऊंगी, और यहाँ पर बीच में मैं एक क्यूट सा प्यारा सा हर्ट करूँगी। मगर हर्ट करने से पहले यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेते थे। तो गाइस मैंने यहाँ पर हर्ट को तो ड्रॉ कर लिया है, और अब मैं इसके पीछे ब्रश की मदद से ग्लू को लगाऊंगी। तो अब हम इसे बुक के कवर के पीछे से हम इसे कुछ ऐसे चिपका देंगे। तो अब आपको इसे थोड़ा फोल्ड कर लेना है।
अब इसे फिर से खोलना है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्लू लगाना है। आप ब्रश की मदद से, मैं यहाँ पर इसे लगा रही हूँ, इसे अच्छे से, अब यहाँ पर अच्छे से लगा देने के बाद आपको इसे फोल्ड करके ऐसे छोड़ देना है, थोड़े समय के लिए सूखना है। या फिर आप एक और कर सकते हो, आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है और यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा के इसे यहाँ पर लगा देना है, तो इससे ये वो पेज खुलेगा नहीं। तो हैनर निंजा टेक्निक, या फिर आप टेप भी लगा सकते हो। तो अब मैं इस पेपर के स्ट्रिप को काट लेती हूँ। तो अब ये जो बुक कवर है वो मुझे थोड़ा प्लेन लग रहा था, तो मैं इसे ग्लिटर टेप की मदद से डेकोर करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे ग्लिटर टेप की मदद से डेकोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्लिटर टेप और मैं इसे अब यहाँ पर ऐसे लगा दूँगी। ग्लिटर टेप लगाने के बाद मैं पर स्केच पेन से यहाँ पर कुछ डॉट्स करूँगी, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो पीछे के साइड में भी मैं यहाँ पर डॉट्स कर दूंगी। गाइस, हमारा स्क्वीशी डॉटी बन के रेडी हो गया है और अब मैं आपको इसे यूज करके दिखाती हूँ। Hope you like the video, so don't forget to like, share and comment. And if you are new in my channel, so don't forget to subscribe. Please comment below the type of video you guys want next. And thanks for watching. Bye bye. That's all for today.